आगे की तरफ चलते हैं। कहना चाह रहा है कि इफ एफ जेड इज एनालिटिक ऑफ जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आल्टा वाई देन यू एंड वी सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन। क्वेश्चन ये है कि अगर मेरा फंक्शन एनालिटिक फंक्शन है और जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आल्टा वाई के बराबर है तो यू और वी लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ओके, सॉल्व करने जा रहा हूँ। गिवन दैट एफ जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस के आल्टा वाई इज एन एनालिटिक फंक्शन, इज एन एनालिटिक फंक्शन सो दैट एफ जेड सेटिस्फाई सी आर इक्वेशन। यानी अगर एफ जेड एनालिटिक है तो कोची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इम्प्लाइज दैट क्या होगा, डेल यू ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी ओवर डेल वाई, इक्वेशन नंबर वन, एंड डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स। ओके, सपोज दैट दिस इज इक्वेशन टू, वी वांट टू प्रूव दैट यू एंड वी सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन। वी वांट टू प्रूव दैट वी वांट टू शो दैट, क्या प्रूफ करना चाहते हैं हम, डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो एंड डेल टू वी ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू वी ओवर डेल वाई स्क्वायर इज ऑल्सो जीरो। क्लियर? नाउ बाय इक्वेशन वन से मेरे पास है डेल यू ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी ओवर डेल वाई, दिस इज इक्वेशन वन। मैं कह रहा हूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ इक्वेशन वन और पार्शली डिफरेंशिएट। ओके, मेरे पास यहाँ से निकला डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डेल वी ओवर डेल एक्स डेल वाई। सपोज दैट दिस इज इक्वेशन ए अगेन, तो मेरे पास कितना निकला बेटा, ये निकला डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डेल वी ओवर डेल एक्स डेल वाई, दिस इज माई इक्वेशन ए। ओके, नाउ बाई इक्वेशन टू, इक्वेशन नंबर सेकेंड उठा रहा हूँ बेटा। नाउ इक्वेशन टू, डेल वी ओवर डेल एक्स विद माइनस साइन इज इक्वल टू डेल यू ओवर डेल वाई, जो कि मेरी इक्वेशन सेकेंड है, इसका यूज़ कर रहा हूँ। से मैं कहना चाह रहा हूँ कि इक्वेशन नंबर टू को पार्शली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई, इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, मेरे पास यहाँ से निकला माइनस डेल ओवर डेल वाई डेल वी ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर। सपोज दैट ये इक्वेशन नंबर बी है। इक्वेशन नंबर बी को मैं रीसेट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना है। इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डेल टू वी ओवर डेल एक्स डेल वाई, ये मेरी इक्वेशन नंबर बी है। मैं कहना चाह रहा हूँ ए प्लस बी करने पर, एडिंग
ए एंड बी, ए और बी को जोड़ता हूँ, मेरे पास ये निकला बेटा डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डेल वी ओवर डेल एक्स डेल वाई माइनस डेल टू वी, बेटा ये टू है यहाँ पे, डेल टू वी ओवर डेल एक्स डेल वाई कैंसिल आउट, कितना निकला बेटा मेरे पास डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो एंड दिस इज लाप्लास इक्वेशन, लाप्लास इक्वेशन। नाउ पुनः फ्रॉम सी आर इक्वेशन एफ जेड इज एनालिटिक देन बाई सी आर इक्वेशन मेरे पास जो सी आर इक्वेशन है विच इज डेल यू ओवर, अगले पेज पे लिखता हूँ क्या है मेरे पास सी आर इक्वेशन, एक रिजल्ट तो मेरे पास आ चुका, मेरी जो सी आर इक्वेशन है क्या है बेटा वो है डेल यू ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू होती है डेल वी ओवर डेल वाई, सपोज दैट ये इक्वेशन नंबर स्मॉल ए मान लो, और दूसरा है डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू है माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स, सपोज दैट ये इक्वेशन नंबर बी है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि इक्वेशन ए को वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर पार्शली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y ऑफ इक्वेशन ए, ये मेरे पास निकला, ध्यान से देखना है बेटा कितना निकला भाई, ये हुआ डेल टू यू ओवर डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू डेल टू यू सॉरी डेल टू वी ओवर डेल वाई स्क्वायर, क्लियर। सपोज दैट दिस इज इक्वेशन सी, अगेन इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको रिसेट कर रहा हूँ, इसको लिखा जा सकता है बेटा डेल टू वी ओवर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डेल टू यू ओवर डेल एक्स डेल वाई, दिस इज माई इक्वेशन सी। मैं कह रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन बी इक्वेशन बी है मेरे पास बेटा, यहीं लिख रहा हूँ डेल वी ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस, माइनस से इधर गुणा कर दिया डेल यू ओवर डेल एक्स वाई, ओके डेल यू ओवर डेल वाई, दिस इज माई इक्वेशन बी। नाउ पार्शली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ बी इक्वेशन, ओके मेरे पास x के रिस्पेक्ट में इसको पार्शली डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, ये हुआ डेल टू वी ओवर डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डेल टू यू ओवर डेल एक्स डेल वाई, सपोज दैट ये इक्वेशन नंबर मेरे पास निकली d। अब फिर मैं दोनों को जोड़ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ c प्लस d करने पर, इधर मेरे पास हुआ बेटा डेल टू वी ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस ये मैंने ऐड किया डेल टू वी ओवर डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इधर निकला डेल टू यू ओवर डेल एक्स डेल वाई और ये हुआ माइनस डेल टू यू ओवर डेल एक्स डेल वाई, ये फिर कैंसिल आउट। मेरे पास यहाँ से जो निकल करके आया यहाँ से मेरे पास जो निकल करके आया बेटा लास्ट इक्वेशन कितनी निकली डेल टू वी ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू वी ओवर डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो, इस इक्वेशन को लिख सकता हूँ डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू
वी, सॉरी ये वी है, यू की बार बार यू की कन्फ्यूजन हो रहा है, ओवर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। ओके, दिस इज ऑल्सो लाप्लास इक्वेशन, और यही मेरे को प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। ओके, इंपॉर्टेंट नोट बता रहा हूँ बेटा, लाप्लास इक्वेशन को ऐसे भी लिखते हैं, डेल टू यू इज इक्वल टू ज़ीरो एंड डेल टू वी इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब होता है डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो, और इसका मतलब होता है डेल टू वी ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू वी ओवर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो, ऐसे भी फॉर्म होती है। ओके, आपको अगर कोई डाउट हो, आपकी प्रॉब्लम हो, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। लास्ट में मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, बाय।